एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गाइडपीडिया। दशहरा या विजयदशमी पर निबंध। दशहरा एक हिंदू त्यौहार है, इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्रि के अंत में सितंबर या अक्टूबर के महीने में 10वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन या कार्तिक महीने में मनाया जाता है। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की शक्ति की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने अपनी पत्नी देवी सीता का हरण करने वाले रावण का वध किया था। दशहरा का उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश फैलाता है। विजयदशमी दुर्गा पूजा का प्रतीक है। इस दिन देवी दुर्गा ने धर्म की रक्षा के लिए राक्षस महिषासुर का वध किया था। बहुत से लोग भगवान राम और राक्षस रावण की कहानी का चित्रण करके नाटकीय अभिनय करते हैं। इन नाटकों को रामलीला के नाम से जाना जाता है। 10वें दिन यानी दशहरा पर रामलीला का समापन होता है। कई लोग या थिएटर अभिनेता मंच पर भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, देवी सीता और अन्य पात्रों की भूमिका निभाते हैं। हर उम्र के लोग इन नाटकों को देखने का आनंद लेते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत और हिंदू पौराणिक कथाओं को जानते हैं। दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं और उनमें विस्फोटक सामग्री भरी जाती है। शाम को इन पुतलों को जलाया जाता है, जो भगवान राम और राक्षस रावण के बीच युद्ध के अंत का प्रतीक है। दशहरा के उपलक्ष्य में कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर पुतले जलाए जाते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, खिलौनों और झूलों के कई स्टॉल लगाए जाते हैं। लोग और बच्चे इसका खूब लुत्फ उठाते हैं। छात्रों को 10 दिनों की छुट्टी मिलती है और वे अपने माता पिता, दादा दादी और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं। वे इस त्यौहार को मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत में दशहरा बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई और गलत पर सही की जीत की सीख भी देता है। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आर इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोज एंड प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल।